मधुबनी क्षेत्र से नामांकन वापस लेने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं राजद का एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं, फिर भी मुझे एक साजिश के तहत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लिहाजा अब राजद से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब उसी पार्टी में जाऊँगा जहाँ मुझे सम्मान और स्थान मिलेगा। बंगाल से अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने पार्टी विरोधी काम किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए या उसको इनाम मिलना चाहिए। 13 MLA का दस्तखत करा करके अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने पार्टी तोड़ने की कोशिश की पूरे आपके MLA से, उनको टिकट दे दिया गया, वो कभी MP नहीं बने थे। मैं तो 4 मरतबा MP बन चुका हूँ, मुझे इग्नोर किया गया। मुझे याद है 97-98 जब जनता दल टूटा था और जनता दल को तोड़ने वाला कोई नहीं था, माननीय शरद यादव जी थे, मैं उसमें बहुत एक्टिव था उस वक्त। आज जो लालू यादव जेल में है, इसका षड्यंत्र एक मौलाना ने मुझे आके बताया, उसी वक्त में मई का महीना था और उसके गवाह मिस्टर राम कृपाल यादव है कि जिस दिन उस आदमी ने मुझसे आके कहा कैसी बात हो रही है वहाँ के CBI चीफ श्री इब्राहिम और शरद यादव ये लोग मिल करके षड्यंत्र कर रहे हैं, लालू जी जेल जाएंगे, तो रात के 1:10 में मैं लालू जी के पास पहुंचा बिहार निवास। उस वक्त मैं भी था और राम कृपाल यादव भी थे हमारे। ये वो रात है जब हमने उनको बताया कि आप जेल जाइएगा और तैयार रहिए और आप मेहरबानी करके ये भी तैयारी कीजिए कि अगला मुख्यमंत्री, ये लफ्ज पहली मरतबा मेरी जबान से निकला, अगला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी होंगी। तो अंधेरा था, उन्होंने जल्दी से लाइट जलाया, उठ करके बेड पे सो रहे थे उठ के बैठ गई हूँ और कहा कि क्या बोल रहे हो, अरे चुप रहो, वो पढ़ी लिखी नहीं है, कैसे होगा। हम कहा कि राज तो आप ही जलाइएगा, जेल के अंदर रहिए या बाहर रहिए। और इसीलिए लालू जी जमाने बोलते थे, सुभाष जी को याद होगा कि हम जेल से भी राज चलाएंगे, ये जुमला मैंने कहा था। और वही हुआ, पार्टी भी टूटी, लालू जी जेल भी गए और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री भी हुए। लेकिन वो जेल भेजने वाला, पार्टी तोड़ने वाला को आज टिकट मिल गया। वहीं उन्होंने बताया कि राजद से टिकट नहीं मिलने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी वली रहमान की मौजूदगी में हुए कोर कमेटी की मीटिंग में मधुबनी से चुनाव लड़ने का फैसला किया गया था, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद के निर्दलीय चुनाव मैदान में आ जाने के बाद अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे के अंदेशे के मद्देनजर उसी कोर कमेटी द्वारा मुझसे नामांकन वापस लेने का आग्रह किया गया, लिहाजा मैंने अपना नामांकन वापस ले। जनाब मोहतरम वली रहमानी साहब का, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और बिहार में इमारत शरिया के भी सदर हैं, उन्होंने खुद से कॉल किया कि आपकी जो खिदमात है दरभंगा के लिए और मुल्क के लिए, इसको दरकिनार किया गया और आपको टिकट नहीं मिला। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप चुनाव लड़िए, आपकी मैं मदद करूंगा। उनका एक बहुत बड़ा हलका है वहाँ, बहुत लोग हैं उनके, उन्होंने खत भी जारी किया और खुद से कांटेक्ट किया लोगों। तो जब इतना समर्थन मुझे मिल रहा था तो मैंने कहा चलो मैं चुनाव लड़ूंगा। लक्ष्य वही था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को हराना था, लेकिन नॉमिनेशन के बाद से लेकर आज तक, जो आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन वापस लेने का, शायद मैं उस लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पा रहा था जो मैं चाहता था, क्योंकि बीच में शकील अहमद साहब ने भी नॉमिनेशन कर लिया और वो कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, वहां के MP भी रह चुके हैं और उनका भी एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। लोग कहने लगे ये क्या हो रहा है, दो दो पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं,
वीजा डिसीजन लेने में फैसला करने में प्रॉब्लम। मैंने अपने कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई और साथ साथ वली रहमानी साहब और उनके पूरे ग्रुप जिनका समर्थन मुझे हासिल था उनसे भी बात किया। आखिर में हमारे सारे साथियों का और वली रहमानी साहब का भी की ये राय हुई कि सोच समझ के कदम उठाना है ताकि वोट भी संगठित रहे, एक साथ रहे, जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है वो भी पूरा हो और इसके लिए जरूरत पड़े तो आप चुनाव से अलग भी हो जाए। ये मेरा कोई अपना निजी फैसला नहीं है, ये हमारे कोर कमेटी, हमारे समर्थक, जो हमारे दोस्तों ने जिन्होंने साथ दिया था, वली रहमानी साहब, सभी लोगों का सामूहिक फैसला है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है कि इसको विड्रॉ किया जाए। और आज मैंने समय से पहले डीएम के पास जा कर के अपना नामांकन वापस ले लिया। सबसे ज्यादा सदमा है कि लालू यादव ने अगर कोई बात कही होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता। ही इज एल्डरली फिगर, ही इज फादरली फिगर, ही इज बिग ब्रदर। हम पे उनका कमेंट आया जिसकी 30 साल उम्र नहीं होगी, मेरी 30 साल की खिदमत है पार्टी के लिए, जनता दल से लेकर के मैं फाउंडर मेंबर हूं आरजेडी का। मुझे कहा कि 6 साल के लिए निकाल दिए जाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा, ये कोई ठीका नहीं है, बताइए। और क्या अधिकार था मेरे खिलाफ बोलने का? मैं एमएलए नहीं हूं, वो विपक्ष के नेता हैं, वो एमएलए पे अपना व्हिप जारी कर सकते हैं, मुझे तो लालू प्रसाद जी बोलते हैं। मैं पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर हूं ऑल इंडिया, मैं आपके जो काउंसिल है उसका मेंबर हूं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूं, मैं स्टार प्रचारक हूं, मैं उनके अंडर में नहीं था। और जितनी उम्र हो उतना बोलना चाहिए, आइंदा ये गलती ना करें, मैं यही सबक दूंगा उनको। एज ए बड़ा, एज एल्डर देन हिम, पार्टी पोस्ट नहीं हो लेकिन उम्र के हिसाब से, तजर्बा इसके हिसाब से उनको कहता हूँ। दरभंगा राज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को आएंगे, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जा रही है, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे आईजी पंकज दराद, डीआईजी छत्रवीर सिंह, एसएसपी बाबूराम सहित कई अधिकारी। ये एक वीआईपी आगमन होने वाला है 25 तारीख को, यहाँ कार्यक्रम होगा, उसके मद्देनज़र सुरक्षा की तैयारी जो है की जा रही है और उसी सुरक्षा में और क्या क्या करना है और कैसे सुरक्षा को, व्यवस्था को पुख्ता करना है और अच्छी व्यवस्था रहे, उसी का हम लोग एक निरीक्षण कर रहे हैं। कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसमें लोग इसमें और बेहतर से बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था हो, वही कार्रवाई। सर, आम लोगों को परेशानी नहीं है उसके लिए कुछ अलग से दिशा निर्देश या दिया गया है? काफ़ी भीड़ कितने की संभावना दिखती है? ये जो जगह है यहाँ तकरीबन 1,00,000 की भीड़ जो है दर्शक है वो यहाँ आ सकते हैं और काफ़ी पूरा शहर के 7-8 द्वार हैं जिनसे प्रवेश है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। सुरक्षा के जो मापदंड हैं उनको पालन करना पड़ेगा। लोगों को कैमरा है या ये जो भी बैटरी संचालित है चीज़ है वो सब के साथ ना आएंगे। अपना पानी ले सकते, रख सकते हैं, आधा बोतल पानी अपना रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पत्रकारों को उनके लिए अलग से है, पासेज निर्गत किए जा रहे हैं, सीरियल ऑर्डर है, पास अलग से बनेगा और आप जो आप जिस चैनल से। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में कई राजनीतिक शासन कर चुके हैं, फिर भी यहाँ कई ऐसे बुनियादी काम हैं जो होना बाकी है। उम्मीदवार नवीन कुमार, जो बिहार सरकार में पूर्व में अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में प्रोफेसर है, नई उजियारपुर गढ़ने का वादा कर रहे हैं। वहीं दूसरे उम्मीदवार वर्तमान सांसद नित्यानंद राय हैं और तीसरे उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा है। यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि
इस बार जनता विकास खोजती है या मोदी लहर काम करती है, फैसला जनता के हाथ में है। अर्चना करने के लिए मंदिर में आते हैं और यहाँ पर भी लोकसभा चुनाव से भी जो है खड़े हुए हैं, इस मंदिर में आते हैं। क्या खासियत है आप इस मंदिर में आने में, आपको कोई चीज़ की शुरुआत करने में बहुत आशीर्वाद। कल मैं भ्रमण गया था, भ्रमण में वहाँ पे रामा सिंह नीलम स्वामी जी का आशीर्वाद देखा, आगे का जो हमारी यात्रा है संसदीय लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, इसमें भगवान का आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है। सर ये बताएं कि जो है आप तो UPSC में PPSC में भी जो है संसदीय भेंट जो है प्राप्त किए हैं और फिलहाल प्रोफेसर रहे हैं, आप उस चीज़ को जो है ये बर्खास्त करके जो है आप राजनीति में आए हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? मैं सेंटर चौकी से बहुत ही ईमानदारी के ऊपर काम किया और हाईली एफिशिएंट, और वहाँ पे एक ईमानदार ऑफिसर है, बहुत सारी परेशानी हुई और मैं ये देखना चाहता था कि हालांकि सरकारी काम इस तरह काम और जितने भी BPSC के ऑफिसर हैं या डिपार्टमेंट हैं, उसमें मैं एक चीज़ को जरूर पाया कि बिहार वित्त सेवा बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है, वहाँ के ऑफिसर बहुत सारे ऑफिसर बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसी इम्प्रूवमेंट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और जब मुझे राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान चुनाव कार्यालय में संविधान बचाओ संघर्ष समिति एवं दिल्ली यूनिवर्सिटी फोरम फॉर सोशल जस्टिस और हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रतन लाल एवं रघुनाथ प्रसाद सेवानिवृत्त अपर सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। डॉक्टर रतन लाल हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर और सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। संविधान बचाओ संघर्ष समिति का पार्ट हूँ और यूनिवर्सिटी फोरम फॉर सोशल जस्टिस और दोनों संगठन जो कि रोस्टर के मामले में और तमाम इस तरह के इशूज पर लगातार दिल्ली में और देश में संघर्ष रहते हैं उसका पार्ट हूँ। और हम मेरे साथ टीम भी बिहार में अभी बिहार उत्तर प्रदेश में इस इलेक्शन में काम कर रही है और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि अगर ये एक आम नॉर्मल चुनाव होता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के और JNU के तमाम शोधार्थी और टीचर्स, हम लोग अभी 3 दिन मधेपुरा में थे, हमारे कुछ साथी अभी वहाँ हैं, परसों वोटिंग करके वो दरभंगा आएंगे, फिर मुजफ्फरपुर जाएंगे, कुछ लोग बेगूसराय में हैं, कुछ लोग तमाम जोन वाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU के टीचर्स और रिसर्चर्स लगातार जो BJP लेड नरेंद्र मोदी लेड जो BJP गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लगातार कैंपेन कर रही है। हम लोग की ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ये एक सामान्य स्थिति होती है जैसे आम चुनाव होता है तो शायद हम लोग अभी यूनिवर्सिटी में किताब लिखते होते, आर्टिकल लिखते होते और अपना रिसर्च करते होते, लेकिन यह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक असाधारण स्थिति है और हम लोग की समझ है कि संघ पोषित और अडानी अंबानी बैक्ड नरेंद्र मोदी और शाह की गवर्नमेंट जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके अंडर में संविधान, देश के संविधान को खतरा है। इसलिए हमें लगता है कि देश के तमाम इंटेलेक्चुअल्स, तमाम जो रिसर्चर हैं, जो एडवोकेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको ऐसी स्थिति में बाहर निकल के और अपने समय के ज्वलंत प्रश्नों पर विभाग अपनी राय रखना चाहिए, पत्रकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, एडवोकेट्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, टीचर्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और हमारा काम सिर्फ सरकार, जो भी सरकार रहे उसके हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता है, एक शिक्षा का काम अपने समय के जलते प्रश्न पे की समीक्षा करना भी होता है, सरकार की क्रिटिक डेवलप करना भी होता है और यही यूनिवर्सिटी का यही मतलब ही होता है। तो इसलिए हमें लगा कि जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में भारत के तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे हमले हुए हैं, जर्नलिस्ट मारे गए हैं, एडवोकेट्स मारे गए हैं, इंटेलेक्चुअल्स मारे गए हैं, सबका नाम आप जानते हैं, नाम रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी संवैधानिक संस्थाएं थीं उस पर हमला हुआ है और ये एक तरह से भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने बाहर निकल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये ऐसा कभी नहीं हुआ था। आप देखिए CIC का क्रेडेंशियल डाउटफुल है,
जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है वो डाउटफुल है उनका क्रेडेंशियल, और रिजाइन करना पड़ा उनके डायरेक्टर को। आप देखिए सीबीआई का पहली बार हुआ सीबीआई बनाम सीबीआई, तो ऐसे लग रहा है जैसे पार्लियामेंट में भी पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती थी, इश्यूज जाते थे वहाँ पे, डिस्कशन होते थे पार्लियामेंट में, सब होते थे। अब तो ऐसे लग रहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर को पता ही नहीं होता है और नोटबंदी भी लागू हो जाता है, इवन कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि एक तरफ से तानाशाही की ओर ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही की ओर पूरे भारत की राजनीति को ले जाना चाह रही है। इसलिए हम लोग की ऐतिहासिक और नैतिक जिम्मेदारी थी कि इनकी इनकी जो विफलताएं हैं और जो इनके हमले हैं जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे, यूनिवर्सिटीज़ आप ताज़ा एग्जांपल हैं, डीयू, जेएनयू इलाहाबाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी ताज़ा उदाहरण है आपके सामने, कि जिस तरीके से इन्होंने हमला किया है सारे संस्थाओं पर, उससे लगता है कि लोकशाही खतरे में है और भारत एक तानाशाही की ओर बढ़ते जा रहा है। हर मुद्दे पे हम बात करना है, मोदी साहब के 2014 के मैनिफेस्टो पे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था सबका साथ और सबका विकास, ये 5 साल में इनकी समीक्षा होनी चाहिए कि सबका साथ तो मिला, सबका विकास हुआ क्या। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ पर ईयर रोजगार देंगे, क्या 2 करोड़ पर ईयर रोजगार क्रिएट हुआ क्या। जो हमारे आंकड़े आ रहे हैं, जो हमारे नहीं जो सरकार के आंकड़े आ रहे हैं कि 24 लाख गवर्नमेंट में वैकेंसीज वो खाली हैं, वो भरी नहीं गई हैं। इसके अलावा तमाम जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उन पे हमला हुआ है, हमें दिखा रहे थे पुलवामा पाकिस्तान दिखा रहे थे, और इधर 6 हवाई अड्डे जो है अडानी को बेच रहे थे, हमें कहीं और दिखाते हैं। इसलिए राहत इंदौरी साहब की जो लाइन है वो बार बार मैं हम लोग रिपीट भी करते हैं कि सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या, कि इनका गाय का मांस हो कि बकरे का मांस हो, इनका ऐसा एजेंसी होता है सीबीआई, कौन पता नहीं कौन नागपुर का एजेंसी है वो पता कर लेती है और मुसलमानों की हत्या हो जाती है, और उसमें सुबोध इंस्पेक्टर सुबोध सिंह उसकी भी हत्या है। तो वैसे लोग जो इनसे सहमति नहीं रखते, इनके विचारों से सहमति नहीं रखते हैं, वो कोई ये जो हिंदू राष्ट्र का छलावा करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, बेसिकली ये पूंजी का राष्ट्र है और ये जनों का राष्ट्र है एक तरीके से। ये सवर्ण राष्ट्र की बात करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, इसलिए चुनाव भी हिंदू बनाम हिंदू हो रहा है इसमें। तो इनकी पूरी जो है एजेंसीज वो पता लगा लेती है कि गाय का मांस से हत्या भी हो जाता है, अखलाक और जुनैद हो तमाम घटनाएँ घट जाती हैं, और वहाँ पे आरडीएक्स लेके पूरा ट्रक में घुस जाता है, हमारे सिपाही शहीद होते हैं, इनकी सारी एजेंसीज फेल हो जाती हैं। तो इस तरीके से सरकार हर मोर्चे पे, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशन के लेवल पे हो, विदेश नीति पे हो, या जो घरेलू आंतरिक मामले हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। तो ये सरकार सबका साथ और सबका विकास तो बोली थी, शायद हम लोग को सुनने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, उन्होंने सबका साथ तो लिया लेकिन सबका विनाशी कर दिया, सिर्फ अडानी अंबानी और कुछ चंद घरानों को फायदा हुआ है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इन्होंने अगर हमला किया है तो विश्वविद्यालयों पर किया है, क्योंकि विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते हैं और उन्मुक्त विचारधाराओं का आगमन होता है तरह तरह से। इसी तरह से हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में इंटेलेक्चुअल लीडर्स तैयार करते हैं, उसमें कुछ जर्नलिस्ट बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, वकील बनते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स बनते हैं, और उनका काम क्रिटिकल असेसमेंट करना होता है। इन्होंने 55% कट कर दी पूरा हायर एजुकेशन का बजट, और एक भी यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं खोला है 5 साल में, एक भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, एक भी कॉलेज इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं खोला है, और तमाम अपॉइंटमेंट्स 5 साल से बंद है। और सबसे खतरनाक कि मोदी जी पिछड़ा कहकर आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हमला हुआ है आरक्षण पर, अगर SC ST OBC के आरक्षण पर जो हमला हुआ है, सबसे ज़्यादा हमला इनके सरकार में हुआ है। रोस्टर के मामले पे हमले उन्होंने देखा है कि किस तरीके से कोर्ट के माध्यम से इन्होंने रोस्टर की हेराफेरी कराई। भारत बंद हम लोगों ने किया था 5 मार्च को, और उसके दबाव में वो अध्यादेश जारी हुआ, लेकिन अभी भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है और उसको अभी कानून में तब्दील करने की कोई बात अभी नहीं हुई। तो इस तरीके से ये एक तरीके से रोहित बमूला भी हो रहा है, सहारनपुर भी हो रहा है, ऊना भी हो रहा है, दलितों के पीठ पे डंडे पड़ रहे हैं। पिछड़ा कह के आए थे प्रधानमंत्री जी सत्ता में, लेकिन सबसे ज़्यादा दलित आदिवासी पिछड़ों के हकमारी हुई है, और मुसलमान को तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले हुए ही हैं।
तो मुसलमानों से राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वैसे लोग मांग रहे हैं कि जिनका मुल्क को आज़ाद करने में कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई इन्होंने भूमिका नहीं निभाई, अंग्रेजों की मुखबिरी की है। तो इसलिए ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, या हज़ारों साल से बहुलतावादी ये देश रहा है। और इस तरीके से ये जो आतंक और भय का माहौल इन्होंने बनाया है, हम लोग इनके खिलाफ पूरे भारत भर में, हम लोग जितना हमारे वश में है कि इंटेलेक्चुअल्स बातचीत ही कर सकता है, अपनी बात लिख सकता है, बोल सकता है, हम लोग भाजपा सरकार के खिलाफ हम लोग कैंपेन चला रहे हैं। वो बार बार एक कहावत मुझे याद आती है कि गांव में हम लोग जो है बचपन में कहानी सुनते थे कि जब चोर पकड़ा जाता था तो लोग चिल्लाते थे कि चोर देखो, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है। अब चोर जो समझता था कि अगर मैं चोर चोर मैं नहीं बोलूँगा तो सब मुझे पकड़ लेगा, तो चोर भी चोर चोर कहते भागता था। इसका मतलब कि आगे चोर भागा जा रहा है। ये जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जो लोग जो है खुद सबसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं मेरिट का, उनकी कोई भूमिका नहीं रही है एक मशीन बनाने में, देश की आज़ादी में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। इसलिए ऐसे लोगों से जब भी किसी अल्पसंख्यक बंधु से अगर बातचीत करें तो वो उनको सर्टिफिकेट मांगना चाहिए उनसे कि आप अपने देशभक्ति का प्रमाण दीजिए। ये तमाम ये सारे इश्यूज़ हैं हमें तो दिखा। राफेल के बारे में क्या कहना चाहिए? राफेल के बारे में जग जाहिर है कि जहाज राफेल तो हमारे गांव देहात में राफेल लोग ने समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं ठेठ भाषा में समझाऊँ कि जहाज खरीद में दलाली हुई है और अडानी को फेवर किया गया है। और पूरा ये जग जाहिर है कि जितने इन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, तो काला धन तो आया नहीं वापस। हमारे देश के मजदूर किसान गरीब और काले और नहीं, उनके सफ़ेद धन लेके भाग गए। उनके सफ़ेद धन लेके मेहुल चौकसी हो, चाहे माल्या हो, चाहे मोदी हो, हमारे देश के किसान मजदूर भाई के गरीब के वो सफ़ेद धन लेके भाग गए, समझ गए। तो ये जहाज जो है ये एक्सपर्ट, जैसे मोदी जी का हर समय विशेषण बदलता है, पिछली बार आए थे तो कुछ और बोले थे, 56 इंच का सीना है, फिर चाय वाला बने, फिर चौकीदार बने, तो फिर फकीर बने। तो ये एक कलाकार हैं और बहुत ही विफल कलाकार हैं। ये हर किरदार में जब भी फेल हो जाते हैं तो नए किरदार ये गढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अभी नया चलाया अभी चौकीदार का, बड़ा बेहतरीन है कि देश का चौकीदार 10 लाख का सूट पहनता है और 27,000 रुपये किलो वाला मशरूम खाता है, और उनका ज़्यादा देश से ज़्यादा विदेश का दौरा होता है, अरबों रुपये विदेश दौरे पर खर्च हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, उनके सरकार के सारे मंत्री ने देश के तमाम चौकीदारों का अपमान किया है। और इस सेंस में कह रहा हूँ कि जो अबाध निजीकरण हुआ है इस देश में, तो सबसे पहले निजीकरण किसका हुआ है? क्लास 4 एम्प्लाइज का। और पहले चौकीदार क्लास 4 एम्प्लाइज में आते हैं। अगर उनकी नौकरी अगर वाकई ये चौकीदार हैं तो मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि चौकीदारों की नौकरी परमानेंट करें। अगर उनकी नौकरी परमानेंट होगी तो उसको 35,000-40,000 तनख्वाह मिलेगा, लेकिन उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है, एजेंसी को दे दिया है। अब चौकीदार 5,000-7,000 तनख्वाह पे काम करने के लिए मजबूर है, 12 घंटे काम कराया जाता है उनसे, 8 घंटे का पैसा दिया जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देश के चौकीदारों का अपमान नरेंद्र मोदी, भाजपा सरकार, उनके तमाम मंत्रियों ने किया है। इसलिए इसी तरीके से ये मजाक सबका उगाते हैं। और जुम लोग इनके पता नहीं नाली से गैस निकाल लेते हैं, तो कोई कहता है कि आंसू से प्रजनन हो रहा है, मतलब जहां हम मंगल पर जाने की बात करें वहां भी तमाम इस तरह की, मतलब एक मजाक, दुनिया के पटल पर मजाक बनाए जा रहे हैं। तो ये जो आपने राफेल की बात की, बेसिकली अडानी को, अंबानी को, अनिल अंबानी वो कोई जहाज के एक्सपर्ट थे क्या? उसके पहले भी राफेल डील की बात चल रही थी। देश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि सीधा जहाज जो खरीदा गया है, लड़ाकू विमान, उसमें नरेंद्र मोदी के माध्यम से, भाजपा सरकार के माध्यम से, ये अंबानी ने वो कमीशन खाया है, दलाली खाया है, और देश के जनता के सफ़ेद पैसे वो दलाली में गए हैं। तो ये तमाम इस तरह के इश्यूज़ हैं। हम लोग इसलिए कैंपेन में हैं क्योंकि मुझे लगता है कि 5 साल में इन्होंने जो है मनुस्मृति का ट्रेलर दिखलाया है हमें। राम मंदिर का मसला ठंडे बस्ते में क्या? अब राम जी को हिचकी आई थी शुरू में, अब हिचकी उनकी बंद हो गई, याद नहीं किया जा रहा है। राम जी अभी भी टेंट में ही हैं, और इनके जो ऑफिस जो 1,000 करोड़ के दिल्ली में ऑफिस बन गए, और देश के तमाम जिलों में जो हैं आलिशान इनके ऑफिस बन गए। तो देश की जनता, और ख़ास तौर से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दलित और आदिवासी और पिछड़ी जमात, ये जनता ये समझ चुकी है कि राम जी का जो पूरा खेल है
ये सत्ता पाने का एक रास्ता था। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इनका धर्म संसद फेल हुआ, संकल्प यात्रा फेल हुआ, अब राम मंदिर का इशू इसलिए नहीं उठ रहा है कि अब दलित बैकवर्ड जिनको हिंदू बना के ले जाते थे वहाँ तलवार भागने और त्रिशूल भागने के लिए, अब ये लोग समझ गए हैं कि जब हमसे वोट लेना होता है, डंडे चलवाने होते हैं, तब आप हमको हिंदू बनाते हैं, और जब अधिकार देने की बात आती है तो क्या कहते हैं, कहते हैं ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये आदि वनवासी है, तो मजाक उड़ाते हैं, पीठ पे डंडे मारते हैं। तो सोशल मीडिया का खास तौर से धन्यवाद है कि उन्होंने हम जैसे तमाम जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ पूरे देश में पहुंचाई है, और इसका पूरे देश पे इम्पैक्ट 5 साल में पड़ा है हम जानते हैं। और तो इसीलिए ये तमाम जो है ये इनकी जुमलेबाजी फेल हुई है। राम जी का इशू चलेगा नहीं भाई, हम रोजगार की बात करना चाहते हैं, हम छात्रों के स्कूल कॉलेज की बात करना चाहते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। मोदी जी को हिम्मत होती तो विकास के नाम पर वोट मांगते, उनको नोटबंदी के ऊपर वोट मांगते, उस पर वोट नहीं मांग रहे हैं। अब मैंने पढ़ा पहली बार एक फ्रंट पेज पे कल दो खबर बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी। एक पढ़ी उत्तर प्रदेश में किसी भाजपा नेता ने कहा है कि मुसलमानों के नस्ल को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट दे। नरेंद्र मोदी जी का एक कहीं मैंने पढ़ा है अभी किसी अखबार में, अगर सही हो तो, कि मैं तेली हूँ। तो आपको ये सब जो मुद्दे आप उठा रहे हैं इसका मतलब ये आपकी बौखलाहट है, यू हैव मिजरेबली फेल्ड फ्रॉम ऑन ऑल फ्रंट्स। तो आप संप्रदायिकता का हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, जातिवाद करना चाहते हैं, दलित पिछड़े जब अपनी हक की बात करते हैं तो लोग कहते हैं जातिवाद हो रहा है, और संघ परिवार और भाजपा बताए कि जातिवाद कौन कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास में आज तक किसी प्रधानमंत्री कैंडिडेट ने अपनी जाति बताकर कैंपेन नहीं की है, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो 14 में भी और 19 में भी अपनी जाति के नाम पर ये वोट मांग रहे हैं और देश की जनता को बरगला रहे हैं। तो ये ऑल फ्रंट्स पे फेल हो चुके हैं, इसीलिए इच्छा का हिंदू मुस्लिम ये हो जाए इलेक्शन, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम इलेक्शन नहीं होगा, ये हिंदू बनाम हिंदू होगा। हिंदू में जो अगड़े हिंदू, अगड़े मतलब हर तरीके से जो प्रगतिशील हिंदू हैं, जो सवर्ण भी हैं, वो होंगे दलित पिछड़ों के साथ होंगे, और उधर जो विशुद्ध जो मनुवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं वो उधर रहेंगे, बाकी देश की जनता दलित पिछड़े मुसलमान आदिवासी एंड प्रोग्रेसिव अपर कास्ट वो हमारे साथ होगी। इसलिए चुनाव हिंदू बनाम हिंदू है, और इसलिए बौखलाहट भाजपा के अंदर आ गई है। और लखीमपुर जिला के मथुरापुर में रात 12 बजे के बाद अचानक फल की दुकान में आग लग गई, इसमें लाखों के नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। आग पर काबू पाने में स्थानीय लोगों ने काफी मदद की। देश में चल रहे चुनाव के दौरान पूरे देश में 26 DRM का तबादला एक साथ किया गया, जिसमें समस्तीपुर रेल मंडल आरके जैन भी शामिल है, जिनके स्थान पर नए DRM बने अशोक महेश्वरी। ऐसा दरभंगा जिला के नीति त्रिपुटारी साथी की बैठक CM लॉ कॉलेज में आयोजित की गई, जिसमें दरभंगा लोकसभा चुनाव से राजद उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी को समर्थन देने का ऐलान किया गया। बैठक में तय किया गया कि महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में रोज शाम शहर में अभियान चलाया जाएगा।